गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और 400 इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं 2021 के, ये पार्ट 6 हम लोग कर रहे हैं। पांच पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो जिन्होंने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखें। हर पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 6 पार्ट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड अ ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल में ही भारत और किस देश ने पहली बार भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, ये इसका अभ्यास कर रहा है, संयुक्त अभ्यास, ठीक है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यूके ने करा है कोंकण शक्ति, ठीक है। और ये कहाँ करा है, तो ये मुंबई में करा है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है मैं उस बार बार बताती रहती हूँ, आप जरूर ध्यान में रखिए। इंडिया और फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग करते हैं वरुण एक्सरसाइज, गरुण एक्सरसाइज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया और यूएसए कौन सी ट्राई मिलिट्री सर्विस एक्सरसाइज करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिसका करेक्ट होगा उसको मैं पिन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए लैबोरेटरी स्टार्ट करी गई है, तो ये कहाँ पे खुल रहा है। तो इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ डीएनए लैबोरेटरी नागपुर में, महाराष्ट्र में खुलेगी। और ये इस तरीके की पहली वाइल्ड लाइफ डीएनए लैबोरेटरी है, इसके पहले, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खुल रही है, इसका मतलब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा खुलेगी, ठीक है। और इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं इनके सब, इनका डीएनए का जो है टेस्ट वगैरह, जितने भी जैसे नए वायरसेस आ रहे हैं इन सबका प्रॉपर टेस्ट हो पाएगा। और हाईटेक लैब, काफी हाईटेक लैब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि थीम क्या है वर्ल्ड पोलियो डे का, जिसको सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है, हर साल। तो इस साल जो वर्ल्ड पोलियो डे था 24 अक्टूबर 2021 में, तो उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, ठीक है। थीम था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। कोई भी इंपॉर्टेंट डे होता है, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कह लें, एड्स डे कह लें, वर्ल्ड पोलियो डे, तो वर्ल्ड कैंसर डे, इन सब का ना हर हर साल एक थीम होता है, इस थीम पे हम काम करेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो डेट पूछेगा या फिर थीम पूछेगा, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड पोलियो डे कौन सा डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 अक्टूबर को थीम किया था डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। दोनों ही बातें आप ध्यान में रखें। इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका नाम है बनी बफेलो, ये इसका भी रिसेंटली जन्म हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है सर, ठीक है। तो ये गुजरात के कच्छ में हुआ है। और आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे बच्चों का जन्म होता है ह्यूमन का, और ये एक बफेलो का जन्म हुआ है, जो कि इस तरीके का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसका नाम है बनी बफेलो, और वो कच्छ गुजरात में उसका जन्म हुआ है, साइंस की मदद से। ताकि जब इससे क्या होगा कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बफेलोज प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इससे मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हेल्प मिलेगी, इसलिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की अगर हम लोग रैंक देखें तो इट्स 71। कितनी कंट्रीज के में, तो 113 कंट्रीज की ये टोटल रैंकिंग, इसमें इंडिया की रैंकिंग 71st है। और स्कोर हम लोग बात करें, स्कोर कितना है, तो 57.2 है। इंडिया के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स चाइना की बात करते हैं, चाइना की रैंकिंग क्या है, तो 34 है। और पाकिस्तान जो इंडिया का सेकेंड बेस्ट फ्रेंड है, उसकी रैंकिंग 75th है। फर्स्ट, और श्रीलंका की भी देख लेते हैं, श्रीलंका की रैंकिंग 77th है, और नेपाल जो है वो 79th पे है, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, 71st। आप देखिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी या ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये दोनों अलग अलग इंडेक्स है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये हम लोग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, 71 रैंकिंग है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अलग रैंकिंग है, उसका हम आगे डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर करा है क्लाइमेट चेंज एज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो अभी इसराइल की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज ही भी एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। क्यों, देखिए इसके बारे में हम जानते हैं कि आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी हम सिर्फ उसको कहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर से रिलेटेड जो हमारे दुश्मन है, जैसे इंडिया का जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड जो दुश्मन है, तो
उसको हम लोग कहते हैं कि इस पे कोई रिलेटेड या अंदर कोई इंटरनल सिक्योरिटी का इशू आता है जिससे हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो उसको हम लोग मानते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं करते हैं और तो कुछ टाइम बाद पानी खत्म हो जाएगा, फिर जैसे कि आपको पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों की बहुत लाइफ कम हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे, तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इसराइल ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि क्लाइमेट चेंज एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ताकि उस तरीके से ही अब इस पर फंड अलोकेट करेंगे वो लोग, प्रॉपर प्लान बनाएंगे और काम कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन? तो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं जिसपे वोटिंग होती है, पोलिंग स्टेशन में जिस पर हम लोग वोट देने जाते हैं, उन सब को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितने पोलिंग स्टेशन हैं, दूसरे आपको पता है जैसे कि बिहार में है हजारों पोलिंग स्टेशन, एमपी में हो गए हैं, सिक्किम में हो गए, तो इन सबको क्या करेंगे, इसके अंदर जितने स्टेशन हैं इन सबको ये क्या करेंगे, एक ऐप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, डिजिटल मैपिंग के थ्रू। तो इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है गरुड़, ठीक है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि ट्रांसपेरेंट, फास्टर और स्मार्टर तरीके से इलेक्शंस हो सकें। हम लोग बात करेंगे कि और जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलओ जो होंगे, इन पे इन सबके डिटेल विटेल सब प्रॉपर इसमें देंगे और इससे पेपर वर्क भी घटेगा और प्रॉपरली हम लोग कर पाएंगे। बात करें हमारे की सीईसी कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन, कमिश्नर कौन है, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, ये सुशील चंद्रा, ठीक है। और हम लोग का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 25 जनवरी, डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं होती उतनी, बट 1950 पता होना चाहिए, और प्री में कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी आपने एसआई का पेपर अगर दिया हो तो आपको पता है कि पेपर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, टफ था, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी का पेपर भी, जैसे कि पिछले साल बीपीएससी का पेपर काफ़ी ईजी रहा था जिसके वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, लेकिन जैसे एसआई का पेपर हुआ है इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, तैयारी आप अच्छी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली इलेक्ट करा इसका पहला प्रेसिडेंट, प्रिपेयरिंग फॉर द रिपब्लिक, रिमूविंग क्वीन एलिजाबेथ फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ स्टेट? हिंदी में समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। किस देश ने हाल में ही रिपब्लिक की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है और जिसने महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख से हटा दिया? तो ऐसा करने वाला देश है बारबाडोस। बारबाडोस में क्या था, अभी तक जो उनकी हेड ऑफ स्टेट थी ना, वो इंग्लैंड की जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, वो थी, ठीक है। अब बारबाडोस ने क्या करा है कि उनको कहा कि आप हेड ऑफ स्टेट नहीं है, हमारा रिपब्लिक देश है, तो हम लोग आपको हटाते हैं एज अ हेड ऑफ स्टेट, और हमारा प्रेसिडेंट हुआ इलेक्शन के थ्रू। आपको पता है कि ब्रिटेन की कितनी सारी कंट्रीज कॉलोनी थी, जैसे हम लोग, इंडिया भी हमारी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो वैसे ही बारबाडोस भी रहा है, तो उसमें अभी तक वो हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ ही थी, तो उनको अब उन्होंने कह दिया बारबाडोस ने कि आप नहीं रहेंगे, हमारा प्रेसिडेंट बनेंगे फ्रॉम इलेक्शन प्रॉपर, और एक हमारा प्रॉपर गणतंत्र होगा, ठीक है। तो बारबाडोस ने ये स्टेप लिया है और 400 साल तक, ठीक है, बारबाडोस इनके अंडर था ब्रिटिश कॉलोनी में। और बात करेंगे कि अगर कैपिटल, माननीय बारबाडोस अगर न्यूज में है तो उसका कैपिटल पूछा जा सकता है, तो उसका कैपिटल है ब्रिजटाउन, ठीक है। और ये अभी बात कर, ये भी इस सवाल को इस तरह की घुमा से भी पूछा जा सकता है कि सबसे नया रिपब्लिक अभी कौन सा देश बना है रिसेंटली, तो भी आप जवाब ये देंगे बारबाडोस। कैपिटल आपने ध्यान रख लिया, किसको हटाया, क्वीन एलिजाबेथ को, 400 साल से कॉलोनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। रिसेंटली अभी कौन सी जगह पे इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज करा एक ऑफशोर सेलिंग बोट रेस टू सेलिब्रेट द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक ऑफशोर बोट रेस ऑर्गेनाइज करा है। आपको पता है कि अभी हम लोग आज़ादी का 75th ईयर था, जिसको अमृत महोत्सव के उसमें हम लोग मना रहे हैं इंडिपेंडेंस में, तो ये जो बोट रेस हुई थी, ये हुई थी वो हो जाएगा कोची से गोवा, ठीक है, कोची से गोवा तक एक ऑफशोर सेलिंग बोट रेस हुआ, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वन द इनॉग्रल अर्थ शॉर्ट प्राइज फॉर द ईयर 2021 फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इंटू बायो प्रोडक्ट्स? तो अभी अर्थ शॉर्ट प्राइज मिला है 2021 में किसको, क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट क्या किया था, काम क्या किया था, किस टेक्नोलॉजी के लिए, तो उन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट को बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है।
तो ये अवार्ड जो मिला है विद्युत मोहन को मिला है, ही इज 30 ईयर ओल्ड, ठीक है। और इनका जो है इन्होंने क्या करा है कि एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो हम लोग का एयर पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि क्या होता है एग्रीकल्चर वेस्ट लोग जलाते हैं एज अ पराली, तो वो आपको पता है जिसकी वजह से कितना पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में पूरा फैल जाता है, तो वो कम होगा। इसके साथ साथ रीयूज हम कर पाएंगे चीज़ों को, और इससे हम लोग प्रॉपर ये पेट्रोल बायोफ्यूल जो है वो बना पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छी खोज है इनकी। तो अर्थ शॉर्ट प्राइज 2021 मिला है विद्युत मोहन को, 30 ईयर ओल्ड, नाम आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रोपवे सेवा जो होती है वो यूज करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है इंडिया का, तो वो है बनारस। बनारस में क्या होगा, आप रोपवे सर्विस क्या होती है आपने देखा होगा बचपन में, आप गए होंगे, ऐसे पोल्स होते हैं, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है बट ऐसे पोल्स होते हैं, ऐसा उस पर होता है केबल और ऐसे उसमें होती है गाड़ियाँ, है ना, उसमें हम लोग ऐसे बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग रोड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाय एयर नहीं जा रहे हैं, बाय वाटर नहीं जा रहे हैं। तो रोपवे सर्विसेज होती है जो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो वो होता है, लेकिन पब्लिक के लिए ये तो सिर्फ हम लोग एज अ टूरिज्म के लिए यूज करते हैं, बट ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बनारस में यूज होगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा सड़कों पे, और इसमें कुछ एज सच बहुत ज्यादा वो भी नहीं लगता है, फ्यूल वगैरह भी खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इजिली एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। इसके पहले अगर हम लोग बात करें कि फॉरेन कंट्रीज में कहाँ यूज होता है, अगर हम ये डिस्कस करें तो अभी तक सिर्फ ये दो देशों में यूज किया जाता है एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये है बोलीविया एंड मैक्सिकन सिटी, उसके बाद हमारा आ गया इसमें बनारस। यूपी के सीएम कौन है आपको पता ही, आदित्य योगीनाथ, और अगर गवर्नर कौन है तो आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ सीएम है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अभी रिसेंटली इंडिया इंडिया ने एस्टैब्लिश करा है अपना एक स्पेस एसोसिएशन जिसको बोलते हैं ISPA, तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है जयंत पाटिल, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल जानते हैं तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन सी फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी बात बारे में बात कर लेते हैं, वो है भारतीय एयरटेल, L&T, नेल्को, वन वेब, माई मैप इंडिया और आनंद टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और अदर कोर मेंबर्स कौन कौन से हैं, गोदरेज, ह्यूज इंडिया, एजिस्टा BST, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंडम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब है, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन की हमने बात करी है वो है जयंत पटेल जो कि, और इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं उनको एक चांस दिया गया है ताकि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बॉडी ये बना सके स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज की इन द कंट्री में, और वो भी अपना एक प्रॉपर योगदान दे पाए, होम ग्रोन और ग्लोबल कोऑपरेशन को मिला के ये बनेगा, और इसके साथ ISPA विल वर्क टुवर्ड्स बूस्टिंग स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया विद फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्पेस इकोनॉमिक हब एंड इंक्यूबेटर्स इन इंडिया। अभी तक क्या होता है इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इसरो है और एक DRDO है, दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, यूएसए के एग्जाम्पल लें, वहाँ तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वहाँ तो नासा है और SpaceX है, तो इस तरीके से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया ISP, इसमें हमने जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज है, स्काई रूट हो गई, ये सब छोटी छोटी जो भी कंपनीज है ये इसके अंडर काम करेंगी और सैटेलाइट्स बनाएंगी, स्पेस रिलेटेड चीज़ें बनाएंगी, और फिर गवर्नमेंट इनसे वो करेगा, कांटेक्ट करेगा, अच्छा लगेगा तो इनको लेगा, इससे क्या होगा इनोवेशन बढ़ेगा, सिर्फ एक एक या दो ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन नहीं आएगा, इनोवेशन होगा, फिर हम लोग भी इस फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे। तो अभी तक स्पेस में हमने कुछ भी प्राइवेट नहीं किया था, तो एक नया इनिशिएटिव है और इसके जो हेड है जयंत पाटिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिसेंटली लूसी मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया नासा के द्वारा, तो ये कौन से एस्टेरॉइड को स्टडी करेगी, ये क्वेश्चन है। तो लूसी मिशन जो है वो ट्रोजन एस्टेरॉइड जो है उसको स्टडी करेगा, और ये जुपिटर का है, ये जुपिटर का है, ठीक है, जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉइड, ठीक है। और ये मिशन जो है उसका 12 साल लाइफ रहेगी, काफी चर्चा में था, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसरो अगर नासा की बात करें
इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1958 में, हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनके भी रिसेंटली डेथ हो गई, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो ये कौन से कंट्री के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे? तो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, काफ़ी फेमस, जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया था, इनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एमी हंटर हैज बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर एन ओडीआई सेंचुरी इन मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट? तो जो एमी हंटर है, ये एक फीमेल क्रिकेटर है और ये यंगेस्ट बैट्समैन बन गई जिन्होंने एक ओडीआई सेंचुरी मारी है। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री की है? अगर हम लोग ये बात करें तो शी इज फ्रॉम आयरलैंड, और शी इज जस्ट अपने उनका जो 16th बर्थडे था उन पे ही उन्होंने ये ओडीआई सेंचुरी बनाई है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें कि ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये रिकॉर्ड था इंडियन कैप्टन मिथाली राज के नाम। उन्होंने 1999 में ओडीआई सेंचुरी मारी थी और वो उन्होंने तब सबसे यंग थी उस टाइम के हिसाब से, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है एमी हंटर ने, जब अपने 16th बर्थडे पे इन्होंने सेंचुरी मार दी। ठीक है, और इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये सेंचुरी मारी थी, ये भी आप ध्यान में रखें। और अभी तक कोई मेल और फीमेल इनसे यंग नहीं है जिन्होंने सेंचुरी लगाई ओडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी कंट्री, सॉरी ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज गॉट जीआई टैग फॉर अ स्वीट नेम मिहिदाना? तो आपको पता है कि कोई भी स्टेट होता है उसकी कोई फेमस चीज़ होती है, कोई मिठाई हो गई, कोई आर्ट फॉर्म हो गया, कोई वेजिटेबल हो गया, तो उनको लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मांग लेते हैं, जिससे ये हो जाए कि इस जगह की है। तो ये जीआई टैग मिला है मिहिदाना मिठाई को, तो ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, और बिहार की हम लोग बात करें, कौन कौन से चीज़ों को जीआई टैग मिला है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मिला है मुजफ्फरपुर की शाही लीची, और जरदालू आम, कतरनी राइस, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का ये मिहिदाना मिठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा कार्टून कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया एज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम? तो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसका ऑफिशियल मैस्कट है चाचा चौधरी। कार्टून आता था बचपन में, मैगजीन आती थी, आपने देखा होगा चाचा चौधरी, तो वो ऑफिशियल मैस्कट है नमामि गंगे प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021? तो मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर जो हॉकी का इंटरनेशनल अवार्ड होता है उसमें किसको मिला है? तो वो इंडिया के पीआर श्रीजेश को मिला है, ये हमारे इंडिया के गोलकीपर थे। इस बार अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ओलंपिक्स में मेन जो टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आपने देखा होगा, तो आपको सब कुछ याद होगा, सब एक एक का नाम मैंने बताया था। तो ये गोलकीपर थे जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के कैप्टन कौन है इंडियन हॉकी टीम के, तो इज मनप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन अनवील्ड? तो इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर अभी नया नया खुला है, तो अगर हम बात करिए कहाँ खुला है, तो ये खुला है अहमदाबाद में। इसमें क्या होगा कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारे फास्ट ट्रैक तरीके से इसमें सॉल्व हो जाएंगे, और इस तरीके का आर्बिट्रेशन सेंटर पहला है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अहमदाबाद में खुला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 139 कंट्रीज इन द लॉ इंडेक्स ऑफ द ईयर 2021 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट? तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो है, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें ये लोग बताते हैं कि लॉ इंडेक्स हर देश में कैसा है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ लॉ इंडेक्स कैसा है? 79th है आउट ऑफ 139 कंट्रीज, विच इज पुअर। बात करें टॉप पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वही है डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड, इन सब में लॉ सबसे अच्छा है। इंडिया की रैंक 379 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलोकेटेड फॉर द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 स्कीम? तो अगर मैं बात करें तो कितना, तो इसका जवाब हो जाएगा 1.41 लाख करोड़ अलोकेट हुए हैं फॉर द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 स्कीम।
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। रिसेंटली लखनऊ और अहमदाबाद की दो नई आईपीएल टीम बनी है, तो इसके पहले टोटल 8 आईपीएल टीम थी। तो ये सवाल पूछा कि अब टोटल कितने टीम्स हो जाएंगे आईपीएल में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, नई कौन कौन सी है, लखनऊ एंड अहमदाबाद। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने फुटबॉल टीम ने जीता SAFF चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो वो जीता है इंडिया ने। इंडिया ने किसको हरा के जीता है, तो नेपाल को डिफीट किया था इंडिया ने, और साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, सैफ जिसको हम लोग बोलते हैं, 2021। नीति आयोग ने अभी पार्टनर करा है कौन से कंपनी के साथ, ताकि वो फ्री एजुकेशन दे सके स्टूडेंट्स को, और क्लास 6 to 12 तक के बच्चों में, इन 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है रिसेंटली। तो अभी नीति आयोग ने पार्टनर करा बायजूस के साथ, और अब ये लोग क्या करेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको पिक करेंगे और फ्री एजुकेशन देगा बायजूस। तो इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा नीति आयोग ने। नेक्स्ट सवाल है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे में कन्फ्यूज नहीं होना, वो कब सेलिब्रेट होता है पता होना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March every year। ठीक है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड डे इज ऑन 11th अक्टूबर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑन 8th of March। रिसेंटली विच क्रिकेट टीम हैज वन द टाइटल ऑफ आईपीएल 2021, तो आईपीएल 2021 का विनर थे CSK, कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, तो वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है वो जर्मनी ने लॉन्च कराया है। ठीक है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा अभी तक। देखिए ऐसे मेट्रो बन चुकी है इंडिया में, आपको पता है कि वर्ल्ड का हम लोग ड्राइवरलेस मेट्रो बन चुकी है, बट ये ट्रेन है, तो ये वर्ल्ड का ऐसा पहला ड्राइविंग ट्रेन जो खुद से ड्राइव करेगा, तो ये है जर्मनी ने। पता है कि जर्मनी ऑटोमोबाइल की सेक्टर में बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, तो जर्मनी ने इसको लॉन्च कराया। नेक्स्ट है, रिसेंटली किसने रिसीव किया नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है अभी रिसेंटली, तो वो मिला अब्दुल रजाक गुलरा को। जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं सारी कैटेगरी में, वो सब आपको याद होने चाहिए। जो आप PDF सॉल्यूशन देखेंगे उसमें मैंने सब कुछ का डिटेल दिया है, डेफिनेटली याद करके जाइए, एक क्वेश्चन आया तो बहुत ईजिली बन जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गियोडो डब्ल्यू लेमेंस, इनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज का, तो कौन से फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला है, तो इनको ये अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स में। एक बार हम लिस्ट पे ध्यान दे देते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट है नोबेल प्राइज की, सारे जो विनर्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। देखिए मेडिसिन में किसको मिला है, तो डेविड जूलियस को मिला है एंड आरडेम को मिला है। फिजिक्स में अभी हमने बात करी थी कि इन लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में इनको है, लिटरेचर में अब्दुल रजाक गुलरा को है, पीस में मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को है, इकोनॉमिक्स में डेविड कार्ड जोशुआ डू इनको मिला है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी फुटबॉल टीम ने अभी डूरंट कप 2021 का टाइटल जीता है, तो डूरंट कप 2021 का टाइटल जीता है FC गोवा ने, और डूरंट कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, यहाँ पे लिख ही दिया। कई बार क्या होता है कप दे देता है, जैसे कि सुब्रत पूछेगा कि सुब्रतो कप जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए डेविस कप जो है वो किससे रिलेटेड है, डूरंड कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गई, तो ये सब तो खैर रणजी वगैरह फेमस है। क्वेश्चन टफ बनाना हो तो कोई भी कप दे देगा जो आपको थोड़ा कम सुना होगा, पूछ लेगा ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से गवर्नमेंट ने, किस स्टेट के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पैकेज मिनरल वाटर, जो कि शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से बैन है, तो ये ऐसा करने वाला स्टेट बन गया सिक्किम। सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से पैकेज मिनरल वाटर बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, जिससे प्लास्टिक बहुत पोल्यूशन कम होगा, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है सिक्किम गवर्नमेंट का। तो अगर आप सिक्किम जाएं तो ध्यान रखें इन बातों का। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन, तो अभी दालचीनी जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे मसालों में यूज होती है, उसका ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में, जिसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से दालचीनी को हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में होगा ये। अभी हाल में ही वर्ल्ड का पहला
वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खादी मेड नेशनल फ्लैग को अभी होस्ट किया गया लेह में, तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है? तो आपने देखा होगा कि लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा खादी फ्लैग ट्राइकलर जो है हमारा, उसको होस्ट किया गया है। तो पूछ रहा है कि उसका लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो उसका लेंथ और ब्रेथ है 225 x 150 फीट, विच इज वेरी ह्यूज। तो लद्दाख में अभी इस साल उसको फहराया गया। नेक्स्ट है कि किसको अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेयर इन FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड। तो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में जो बेस्ट फीमेल प्लेयर है वो भी इंडिया की गुरजीत कौर को मिला है। तो गुरजीत कौर, और इन्होंने गुरजीत कौर ने काफी गोल्स किए थे इस साल ओलंपिक्स में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट Formula 1 ड्राइवर टू विन 100th ग्रैंड प्रिक्स। तो Formula 1 ड्राइवर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि रेसिंग होती है, जो F1 कार्स की रेसिंग करते हैं तो उनको Formula 1 ड्राइवर बोलते हैं। तो 100th उन्होंने अब बार जो रेस जीती है, ऐसा बनने वाले सबसे हाईएस्ट कौन से बन गए? तो दैट इज लुइस हैमिल्टन। ठीक है, नाम ध्यान में रखिए, लुइस हैमिल्टन इज अ वेरी वेरी बिग नेम इन दिस स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में अभी रिसेंटली विराट कोहली जो है इंडियन कैप्टन, उन्होंने 10,000 रन अपने T20 के पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज गिवन द नेम ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म गुलाब। अभी साइक्लोन आया था, तो आपको पता है कोई भी साइक्लोन आता है तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को नाम दे सकती है। तो जो कि बे ऑफ बंगाल में भी आया था, तो ये साइक्लोन गुलाब जो है नाम किसने दिया? तो ये भी पाकिस्तान ने नाम सजेस्ट किया था। ठीक है, आज के से अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू इलेक्ट अ वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट। तो यूरोप में कौन सी कंट्री जिसमें वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट है? तो वो है आइसलैंड। जैसे कि हमारे यहाँ सांसद होता है तो आप जनरली देखते हैं मेल मेजोरिटी होती है, मुश्किल से 10-15% फीमेल उसमें होती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी में फीमेल्स थी। और ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है यूरोप में जिसने इलेक्ट किया है वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट, तो इट इज आइसलैंड। आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच डे वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग अंत्योदय दिवस से। ठीक है, अंत्योदय दिवस। So this is it for today. See you in the next video. Have a good day.